नमस्ते, जय हिंद। और आप सब इनको पहचानते हैं, कौन है ये? आवाज जोर से नहीं आई, अब बनी बात। अरुण गोविल जी के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा दीजिए आप सभी। अरुण गोविल जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आने के लिए और आपसे बात करने का हमको सौभाग्य मिल रहा है। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है, इतने वर्षों बाद रामलला विराजमान हो रहे हैं, जब आपने राम का किरदार निभाया, कभी आपने ये सोचा था कि आप ये दिन देखेंगे? सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। जब हमने ये किरदार निभाया था, दैट वाज 86 में हमने शूटिंग की थी, 87 में रामायण रिलीज हुई थी। उस वक्त राम मंदिर का, अगर मैं सच कहूं और एक बहुत फ्रैंक ओपिनियन आपको बताता हूं, उस वक्त इतनी आवाज राम मंदिर को बनाने की नहीं होती थी, ये एक सच है। इसका मतलब यह नहीं था कि राम मंदिर बनाना लोगों के मन में नहीं था, लेकिन शायद उस वक्त कुछ व्यक्ति ऐसे नहीं थे जो इस बात को इतना उजागर कर पाते। कोई ऐसा नेतृत्व शायद नहीं था इतना इंपॉर्टेंट, इतना स्ट्रांग, जो इस बात को एक आम सब सामाजिक लोगों के दिल में भर सकता, उन्हें जागृत कर सकता, उन्हें एनर्जाइज कर देता, उन्हें मोटिवेट कर देता इस काम के लिए। ये बात होती थी तभी भी, सबकी इच्छा थी, बिकॉज राम हमारे गौरव हैं, राम हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है, हमारी आस्था है, सभी कुछ राम है। तो राम जीवन है, और मैं कहता हूं अगर जीवन राम हो जाए तो बस उसके आगे तो कुछ है ही नहीं। तो ये बात तब उठती जरूर थी, लेकिन इतने जोर शोर से ये बात तब नहीं उठती थी, लेकिन मन में हमेशा ये रहा कि मंदिर, ये तो उम्मीद थी कि मंदिर तो बनेगा, कब बनेगा, कौन बनाएगा, कौन सी शख्सियत इसे बनाएगी, उसका अंदाजा उस वक्त नहीं होता था। अरुण जी, आज एक बेहद खास बात मुझे आपसे कहनी है, और आप सब लोगों से भी चाहूंगी कि याद कीजिएगा, रामायण सीरियल में आपके चेहरे पर जो मुस्कान थी उसको सबने बहुत पसंद किया, और यदि वो आज का दौर होता तो मैं एक शब्द में उसे समेट देती हूँ, वो हैशटैग मुस्कान थी, हैशटैग स्माइल थी। भाव कोई भी रहे हो, करुणा के रहे हो, रुदन के रहे हो, खुशी के रहे हो, उस मुस्कान का भाव हर बार अलग था। और आज भी एक मुस्कान चर्चा में है, वो है 5 वर्ष के रामलला की नवीन प्रतिमा जो बालक के रूप में है, उस मुस्कान की देश आज चर्चा कर रहा है। क्या संयोग है ये? बहुत सारे संयोग हैं इस हमारी रामायण के और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के जी। अब अगर रामायण में जो गीत था, ठुमक चलत रामचंद्र, उस वक्त जो इतने छोटे से, जो घुटनों के बल चलते थे राम, उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी, उस बालक के चेहरे पर, वो मुस्कान है ये रामलला के चेहरे पर। और ये मुस्कान अपने आप में कितना कुछ कह जाती है। हम जिस भाव में होते हैं, जिस मानसिक भाव में हम दर्शन करते हैं, हमें लगता है कि ये हमारे भावों को ही दर्शा रही है, ये मुस्कान उसका उत्तर हमें दे रही है, ये मुस्कान इतनी ज्यादा प्रभावशाली है। पर वो मुस्कान आपकी नेचुरल मुस्कान थी कि आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ा, उस इमोशन को, उस स्माइल को? अभी भी वही मुस्कान। अब मैं मुस्कुरा रहा हूँ, अब मैं मुस्कुरा रहा हूँ, तो क्या मुझे मेहनत करनी पड़ रही है इसके लिए? नहीं, मैं बताता हूँ आपको इस मुस्कान के पीछे एक छोटी सी कथा है, कहानी है जी। रामायण जब शुरू हुई, शूटिंग शुरू होने वाली थी, उससे पहले हमने अपना पूरा गेटअप और ड्रेस वगैरह, मेकअप वगैरह सब वो किया बिल्कुल। अब करने के बाद जब मैंने अपने आप को आईने में देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, ये जो व्यक्ति है जिसका नाम अरुण गोविल है, ये भगवान नहीं लगता, ये इंसान लग रहा है अभी भी। तो मैंने कहा कि ये नहीं, ये तो बात जायज नहीं है भाई, इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं वो पावनता, वो मृदुलता, वो मधुरता वो होनी चाहिए जो परमात्मा के फेस पे, जो राम जी के फेस पे है। उस वक्त मुझे श्री राजकुमार बरजाटिया, जो राजशील प्रोडक्शंस के थे, उनके साथ मैंने 5 फिल्में की थी इससे पहले जी। उन्होंने मेरे से एक दिन कहा था, शुरू शुरू में बहुत, कि अरुण जी आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, इसे कहीं अच्छी तरह यूज कीजिएगा।
वो बात पता नहीं मुझे अचानक उस वक्त कैसे मेरे दिमाग में आई, एंड मैंने देन आई ट्राइड, और उसको फिर एज यू सेड इट, जैसे आपने कहा अभी कि भाव कोई भी हो वो मुस्कान होती थी लेकिन उस भाव को दर्शाती थी जी। कि अगर पैथोस भी है तो उस मुस्कान में पैथोस है, तो उस जो वो जो मुस्कान थी फिर उसको हमने अपने चेहरे पर लिया, ऑल द टाइम लिया, फिर वो अंदर तो रही होगी, तभी आती भी थी, तभी शायद राजकुमार बजाचार्य जी देखी भी होगी वो, तो उसको फिर हमने प्रैक्टिस किया, और फिर रामायण के करते 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 वो मुस्कान ऐसी हो गई कि जब मैं नॉर्मल अपनी जिंदगी में रहता हूं तो वो मुस्कान रहती है। अरुण जी, हमने सुना है कि रामायण में जिस रोल के चलते पूरे देश ने आपको इतना प्रेम किया, राम के रोल में इतना पसंद किया, उस रोल के लिए आप पहली चॉइस नहीं थे, कि आपको पहली दफे सेलेक्ट नहीं किया गया था, उसके बारे में बताइए सबको। मैं आपको सच बताऊं, मुझे ये बात बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, फ्रेंकली स्पीकिंग, मतलब इट डजंट लुक नाइस, लेकिन ये सच है। जब सागर साहब को दूरदर्शन ने ये कहा था कि आप रामायण बनाएंगे, एंड ही सेड यस, और मुझे पता लगा, तो मैं ऑलरेडी उनके साथ काम कर रहा था, मैंने उनके साथ एक सीरियल किया था विक्रम और बेताल, वेयर आई प्लेड विक्रम जी, और मैंने एक फिल्म की थी उनके यहाँ, तो उन्हें मेरी कैपेसिटी का भी पता था, हाउ एज एन एक्टर आई एम वो पता था, मैं किस तरह का इंसान हूँ। दो ही बातें होती हैं जब हम किसी को लेते हैं, कि आप एक्टर कैसे हैं, आप इस रोल में सूट करेंगे या नहीं, और आप इंसान कैसे हैं। कोई ऑडिशन भी हुआ था आपका? तो मुझे पहले मैंने कहा था उनसे, तो मेरे मन में आया जब मुझे पता लगा कि रामायण बन रही है, तो मेरे मन में क्यों आया पता नहीं, आज तक मैं समझ नहीं पाया इस बात को, कि मुझे राम जी का चरित्र करना है। मैं उनके पास चला गया, मैंने कहा सुना आप रामायण बना रहे हैं, बोले हाँ, तो मैंने कहा मुझे राम जी का चरित्र करना है, तो उन्होंने बहुत छोटा सा चश्मा लगाते थे वो, ऐसे ऊपर से नीचे तक दो तीन बार देखा, ठीक है बताएंगे। फिर समय आया, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, पूरा गेटअप वेटअप सब करने के बाद, और फिर मुझे आउटराइट रिजेक्ट कर दिया गया उस काम के लिए। मुझे कहा जाता रहा आप भरत का रोल कर लीजिए, लक्ष्मण का रोल कर लीजिए, रोल बहुत अच्छे हैं ये भी, तो मैंने कहा मुझे रोल करने के लिए मैं यहां नहीं आया था, मुझे तो चरित्र करना था राम जी का, इफ आई एम नॉट फिट फॉर दैट इट्स ओके, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। तो ये हुआ, फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ, दो तीन महीने चले गए, फिर अचानक एक दिन सागर साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है वो डिसाइड करती है कि तेरे वर्गा राम नहीं मिलना, यानी हमारी सिलेक्शन कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि हमें तुम्हारे जैसा राम नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा सर मोस्ट वेलकम, मैं तो आपके पास इसी काम के लिए आया था। तो ये है कहानी उसके पीछे। पर अरुण जी, मैं जानना चाहूंगा जो रामत्व है, द एसेंस ऑफ द कैरेक्टर, जिस चरित्र को आप निभाना, उसके लिए क्या साधना की आपने, डिड यू टेक एनी स्पेशल एफर्ट? क्योंकि एक बात प्रभु श्री राम की कहते हैं कि इक्विपॉइज, कि समान रूप से रहते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो उनका भाव उसकी तरफ वैसा ही रहता था, तो उसको अपने अंदर ढालने के लिए कुछ खास किया आपने, कोई साधना की? आप वैसे स्पिरिचुअल थे इसके लिए बने आध्यात्म की तरफ? मैंने ये रामायण में ये चरित्र करने के लिए, रामायण मैंने इससे पहले पढ़ी थी जब मैं बहुत छोटा था, तब माँ कहा करती थी बेटे रामायण पढ़ लो, तो हम पढ़ते थे, अवधि में थी, हमें समझ आती नहीं थी, पढ़ लिया दो तीन पेज बस, माँ को बोल दिया हाँ पढ़ लिया हमने रामायण। जब मुझे ये रोल मिला उसके बाद मैंने रामायण नहीं पढ़ी, बिल्कुल नहीं पढ़ी, नहीं मुझसे कहा गया रामायण पढ़ लो, अच्छा मैं रामायण पढ़ूंगा तो मुझे उसकी कहानी तो पता लग जाएगी, कहानी मुझे नहीं जाननी है, क्योंकि मुझे जो सीन्स लिखकर मिलेंगे, जो कथा लिखकर मिलेगी, मुझे तो वही बोलना है, तो मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि जो रामायण के ऊपर पहले फिल्म बनी है, संपूर्ण रामायण बनी थी, प्रेम अदीप जी बहुत फेमस हुए थे शायद एक रामायण में जी। वो देख लो, जो सीनियर्स थे उनके समय के। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना है बिल्कुल। मेरे मन में जो कल्पना थी कि राम जी की तस्वीरें देखकर कि ये व्यक्तित्व कैसा रहा होगा, इसके मन में क्या होगा, तो मुझे जो समझ में आया उस वक्त वो मैंने करना शुरू किया। ऑफ कोर्स शुरू में मैं उतना कंफर्टेबल नहीं होता था, दो चार पांच दिन उतना कंफर्टेबल नहीं था,
तो मैंने वो उस हिसाब से करना शुरू किया, और बाद में उसको एनालाइज करने के लिए जब मैंने अपने आप को देखा अंदर, तो मुझे पता लगा कि वो सारे बातों के कुछ अंश मेरे अंदर ऑलरेडी हैं, और शायद इसी कारण से वो कैरेक्टर इतनी जल्दी मुझ में आत्मसात हो गया, मैंने आत्मसात कर लिया उसको। उसके बाद मुझे फिर कभी तकलीफ नहीं हुई, मतलब यहां तक कि यह कहा जाता था कि मैं जब मेकअप रूम से तैयार होकर बाहर निकलता था तो यूनिट के लोग कहते थे ही लुक्स अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर जी, तो वो शायद कहीं अपने आप आना शुरू हो गया था मेरे अंदर। तो अंदर अरुण जी जाते थे और बाहर राम आते थे मेकअप रूम के? नहीं एक तो मैं सच बताऊं आपको, आप लोग जब ये शब्द इस्तेमाल करते हैं या दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं कि बाहर राम आते थे, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, परमात्मा मुझ पर कृपा करना भाई राम जी ने, मतलब इतनी बार मैंने ये शब्द सुने हैं कि मैं सच बताता हूं आपको, इस बारे में मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, जितनी श्रद्धा जितनी आस्था जितनी बढ़ाई जितना एडमिनेशन मुझे मिला है, मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूं। किसी नॉर्मल इंसान को अगर मिला होता ना तो उसका सर उसके कंधों पर नहीं रहता, कभी भी नहीं रहता। बहुत खूब, बहुत क्या। और मैं आज भी इस बात को यूं ही हंस के निकाल जाता हूं कि मुझमें ऐसा क्या देखते हैं कि ये सब होता है मेरे साथ, और उसका उत्तर मुझे उसी समय मिल जाता है, वो है, वो जो दे रहा है अरुण गोविल उसे ले लो, बहुत बड़ी कृपा है उसकी, तुम्हारा कुछ नहीं किया हुआ है इसमें, तुम्हारा तुम सिर्फ माध्यम हो, तुम सिर्फ एक शरीर हो, कर जो रहा है वो कर रहा है। तो इसलिए मेरा हालांकि कोई क्रेडिट नहीं है बिल्कुल भी, पर मैं सच बताऊं आपको, दूसरी बात एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचो जी तो अच्छा भी बहुत लगता है जी। इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना दुलार, इतना एडमिरेशन किसे मिलता है? हालांकि रामायण करने के बाद, मैं उससे पहले कमर्शियल एक्टर था, कमर्शियल फिल्में करता था, अच्छा खासा मैं काम कर रहा था, उसके बाद मैं वो काम नहीं कर पाया, तो मुझे लगता था कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, मतलब बीइंग एन एक्टर अगर आप कमर्शियल फिल्में नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं है। और जिस वक्त और उस वक्त माइथोलॉजी कोई ग्रेड का काम नहीं माना जाता था, तो लोगों ने मुझसे कहा भी, मेरी फैमिली के मित्रों ने भी कहा कि तुम ये रामायण क्यों करने जा रहे हो, ये ग्रेडेड काम नहीं है, फंस जाओगे। ऐसे भाई नहीं पता, मन में बात आई है और इतने जोर से आई है, मुझे कर लेने दो इसको, और मैंने किया। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई उसके बाद एज ए प्रोफेशनल एक्टर, पर उसके बाद धीरे धीरे मुझे समझ में आया, जब ये प्यार मिला, ये सारा कुछ मिला, तो मैंने कहा अगर मैं एक एक्टर होता फिल्मों में तो क्या ये सब मिलता? नहीं मिलता। और आज तो मतलब ऐसा लगता है कि मैंने अगर ये नहीं किया होता तो मैंने अपना जीवन जिया ही नहीं होता जी। अरुण जी, आप हाल ही में अयोध्या गए थे और आपके साथ सुनील जी भी थे, दीपिका जी भी थी, टेलीविजन के हमारे सीता जी और लक्ष्मण जी भी, इतना प्यार आप लोगों को मिला और उसके वीडियोज ने तो सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। तो जब आप अयोध्या की सड़कों पर निकले, आज राम काज है, राम मंदिर वहां पर है, लोगों का दशकों बाद भी उतना प्यार और भाव वैसा ही है, इसे आप कैसे देखते हैं? आपके मन में भाव क्या थे उस वक्त जब आप अयोध्या की सड़कों पर निकले? मैंने अभी अभी आपको जैसे पिछले सवाल के जवाब में मैंने वही बताया आपको कि कभी कभी तो वाकई समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है चारों तरफ, क्यों इतना क्यों, पर फिर वही बात वही आकर ठहर जाती है कि राम जी की कृपा है क्या बात, इसके अलावा कुछ नहीं है। इस समय जो भी हो रहा है, देखिए माध्यम कोई भी हो सकता है उसके लिए, आज रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, मंदिर बन चुका है, उसके लिए इतने लाखों लोगों के बलिदान है उसके पीछे, लाखों लोगों की कर्मठता है उसके पीछे, लाखों लोगों का एक जुनून था उसके पीछे, तब जाकर यह बना है। तो लेकिन ये जो भी कुछ हुआ है वो माध्यम जरूर रहे हैं, लेकिन है ये कृपा श्री राम जी की। तो जब हम अभी अयोध्या गए थे बहुत अच्छा लगा था। अब अयोध्या एक बात और बड़ी अच्छी लगी थी अयोध्या में, जब 3-4 महीने पहले मैं गया था अयोध्या एक फिल्म की शूटिंग करने, वो फिल्म भी 19 को कल रिलीज हुई है, 695 उसका नाम था जी। तो अयोध्या की फिजिकल हालत,
सड़कों की, मकानों की कुछ और थी। मैंने कहा ये क्या हो गया अयोध्या को? तो बताया गया कि राम मंदिर की तैयारी हो रही है, उसके लिए ये फेरबदल किया जा रहा है सारा। लेकिन अब जब 3 दिन पहले जब अयोध्या देखी तो मजा आ गया। इतनी बढ़िया बढ़िया चौड़ी चौड़ी सड़कें, घरों पर ऑफ व्हाइट कलर किया हुआ सारा, उस पर पीले रंग से खिड़कियां बनाई हुई, यू नो, चारों तरफ सजावट, दीप जले हुए हैं, रोशनियां हो रही हैं। बहुत मजा आया अयोध्या की सड़कों पर चलकर। अरुण जी एक प्रश्न है जी। मुझे मेरा बचपन याद आ रहा है जब मैं स्कूल से साइकिल तेज दौड़ा के आता था, क्योंकि सड़कों पर एकदम सड़कें खाली हो जाती थी सब रामायण देखने के लिए। और उसके बाद एक टाइम आया जहां घर के पूजा घर में राम जी की फोटो आपकी लगती थी, पूजा आपकी, और लोग टीवी पर, याद है आप सबको, टीवी के सामने अगरबत्ती रखकर फिर जैसे ही आप आते थे जय श्री राम और पूजा होती, सबके लिए राम की छवि आप हो गए। आप जब राम के बारे में सोचते हैं तो कैसी सूरत आती है, किसकी छवि आती है? मैंने राम जी के बारे में सोचना इसीलिए बंद कर दिया, मैं आपको सच बता रहा हूं जी, क्योंकि मैं जब राम जी का ध्यान करता हूं तो मुझे मेरी तस्वीर दिखाई देने लगती है मन में, आंखें बंद होती हैं। तो मैंने कहा ना, ये तो बहुत ही खराब बात, इससे खराब बात तो दुनिया में हो ही नहीं सकती। तो इसलिए जब मैं राम जी का ध्यान करता हूं तो मैं अपनी आंखें बंद नहीं करता। राम जी की जो तस्वीर मेरे घर में है, जो मूर्ति मेरे घर में है, मैं उसको आंखें खोल कर देखता हूं। मैं अपने दिल की सच्ची बात बता रहा हूं आपको, इसमें कहीं भी कोई बनावट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं, और फिर वो मूर्ति जो है, जो मेरे घर में रखी है, इतनी बड़ी मूर्ति है, वो मूर्ति अपने आप जैसे मुस्कुराने लगती है धीरे 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 धीरे। मैं एक घटना बताता हूँ आपको, मैं एक जगह का नाम नहीं बताऊंगा, अच्छा नहीं लगता जी। मैं वहां गया तो वहां एक अच्छा बहुत बड़ा मंदिर था और उसमें राम सीता जी और लक्ष्मण जी थे, और राम जी के पैरों के नीचे जो प्लेटफॉर्म था तो उनके पैरों से लगकर एक तस्वीर रखी हुई थी, फोटो एक रखा हुआ था जिसमें मेरा चेहरा था। मैं उस मंदिर में गया और मैं उस मंदिर से घबरा कर बाहर निकला था कि ये क्या कर रहे हैं लोग। मैं उस शहर में दोबारा नहीं गया फिर कभी भी, सच बता रहा हूं आपको। मैं घबरा गया था, कांप गया था मैं बिल्कुल। आपकी मनस्थिति मैं कह रहा हूं क्योंकि आप एज अ निजी पर्सन, क्योंकि आपने किरदार निभाया और लोग आपको उस किरदार में ही देखने लगे, तो आपने कहा कि आप घबरा गए, पर आप इस बात को भी मानते हैं कि लोगों का ये महज भक्ति भाव था कि वो राम को देख रहे थे आप में, और यही भक्ति भाव है जिसका, जो प्रेम आज भी आपको मिल रहा है। तो ये दो पर्सपेक्टिव्स हैं, एक आपकी तरफ से कि आप क्या सोचते हैं, और जनमानस सामान्य जन क्या सोचते हैं कि जिन लोगों के लोग जो VVIPs हैं जिनके साथ हम सेल्फी खींचते हैं वो आपके बगल में आके कहते हैं कि राम जी एक फोटो ली जाए। नहीं आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल, दोनों का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग है, और इसके लिए कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता। मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। लोग आते हैं, फोटो खिंचाना चाहते हैं, पांव छूते हैं। तो पहली बार जब ये हुआ था, रामायण को कुछ महीने हुए थे और हम दिल्ली में एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इस देश के, उनके घर में थे, उन्होंने डिनर पर बुलाया था, और उनमें जो सीनियर मोस्ट थे उस फैमिली के, उस खानदान के, हम लोग खाना खा रहे थे, मेरे हाथ में प्लेट थी, और वो आए और उन्होंने साष्टांग दंडवत किया। पहली बार मेरे साथ हुआ था ये कि कोई इतनी उम्र का आदमी और साष्टांग दंडवत मुझे करे, और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, मैं प्लेट को रखूं, इनको उठाऊं या क्या करूं। मतलब हमारी संस्कृति तो ये है नहीं ना कि हमसे बड़े हमारे पांव छुए, वो तो साष्टांग दंडवत कर दिया था उन्होंने। anyway, मैंने प्लेट को जल्दी से पकड़ाई किसी को और उनको उठाया, और मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, तो उनके मुंह से कोई शब्द नहीं थे, उन्होंने मेरे, वो मेरी तरफ देख रहे थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे ये बात जब कई बार, बहुत बार हो गई तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो कहीं गड़बड़ है, मुझे अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। और मुझे समझ में आ गया कि ये मेरे पांव नहीं छू रहे हैं, अगर ये छू रहे हैं तो छूने दो इनको, ये जो इनकी आस्था है राम के प्रति
ये उसको नमन कर रहे हैं, माध्यम मैं बना हूं, माध्यम को इस बात का हक नहीं जाता कि वो इसे अपने आप समझ ले कि मुझे ये कर रहे हैं। तो मैंने कहा अगर ये करना चाहते हैं, इनका यही मानस है, तो इन्हें करने दो, इससे मुझे अंतर नहीं पड़ता था कोई भी जी। ये बहुत बार हुआ है ऐसा, तो अब भी वही है कि मैं ये मानता हूं कि जो वो प्यार दे रहे हैं वो तो इस शरीर को दे रहे हैं, और जो नमन कर रहे हैं वो अपनी आस्था को कर रहे हैं जो इन्हें भगवान राम के प्रति है। अरुण जी, रामायण सीरियल से जुड़ा हुआ और श्री राम से जुड़ा हुआ बतौर एक्टर आपका कोई ऐसा अनुभव है जिसने आपको प्रभावित किया हो? बीइंग एन एक्टर, आप उस किरदार को जी रहे हैं, आप उस कहानी में हैं, वही सोच रहे हैं। राम जी ने बहुत सारे रामायण में हमारे बहुत सारे सीन्स ऐसे थे जिनसे अपने जीवन के लिए बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, क्योंकि राइटिंग थी सीन्स की हमारे। मुझे लगता है कि सागर साहब, रामानंद सागर साहब इस इंडस्ट्री में आए थे बतौर राइटर, हालांकि वो बहुत फेमस प्रसिद्ध डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बने जी, रामायण बनाई उन्होंने। उनका राइटिंग का ये सबसे बेहतर काम रहा है। तो इसमें बहुत सारे सीन्स ऐसे थे कि वो लाइन्स अपने आप जिंदगी में उतर गई, और अगर पूरी तरह उतर जाती तो मैं आज शायद इससे ज्यादा बेहतर इंसान होता। आज भी मुझे कभी कभी अपने अंदर बहुत सारी कमियां नजर आती हैं, जो कभी कभी किन्हीं परिस्थितियों में उभर कर बाहर आ जाती हैं बींग इंसान, पर वो शायद नहीं आती अगर मैंने पूरी तरह उन्हें आत्मसात कर लिया होता। लेकिन उन्होंने मेरे जीवन में बहुत मुझे प्रभावित किया है। बींग एन एक्टर, ये तो हुई एक मानव की बात, एक इंसान की बात जी। अब बींग एन एक्टर, मैं आपको एक सीन बताना चाहता हूं कि जब मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं क्या इसको कैसे करूंगा। हाँ। ये कोई एक्टर नहीं बताता आपको जी। कि वो सीन जिसमें मैं अपने आप को, मैंने मुझे लगा कि मैं इसे कैसे करूंगा, और वो सीन भी नहीं था, वो एक पल था। जब भरत मिलाप होता है, भरत जी आते हैं और श्री राम को ये पता लगता है कि महाराज दशरथ अब नहीं रहे। हाँ। उस समय सागर साहब ने एक भी लाइन, एक भी शब्द मुझे नहीं दिया था। He says you have to react। और अब मैंने सोचा, मैं एक बहुत ही रेजर्स एज थी वो, कि बहुत बड़ा इमोशन है कि किसी व्यक्ति का पिता ना रहे, उसको इमोट करना है, और दूसरी बात कि वो इमोशन जो है वो इंसान का ना हो, और भगवान इमोट करते नहीं है। तो वो रेजर्स एज थी बिल्कुल, वो इमोशन दिखाना। तो मैंने कोशिश की, मुझे समझ में नहीं आया कुछ भी। फिर मैंने सागर साहब से कहा कि सागर साहब प्लीज मुझे 10 मिनट आप छोड़ दें आप अकेला। लाइट उन्होंने बंद करा दी, वो खुद भी बाहर चले गए। फिर 10 मिनट बाद मुझे लगा कि हाँ, अब मुझे कुछ समझ में आया था। क्या समझ में आया था वो भी बहुत अच्छे से ध्यान नहीं है, पर कुछ समझ में आया, और मैंने कहा ठीक है अब करते हैं। और वो एक इमोशन मैंने एक पल था बस वो, जिसमें वो इमोट किया था। पहले तो समझ में नहीं आया, लेकिन जब बाद में मैंने इमोट किया था तो शायद वो ठीक हो गया था, अच्छा हो गया था। उस वक्त मुझे लगा था कि नहीं अरुण गोविंद, तुम्हें एज एन एक्टर बहुत कुछ सीखना होगा अभी, ये रामायण तुम्हें बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। जो उसने सिखाया। एक आपके लिए छोटा सरप्राइज है, आपकी अनुमति हो तो फिर मैं उन्हें यहाँ आमंत्रित करूँ। आपके अनुज का किरदार जिन्होंने निभाया जी, वो भी हमारे साथ हैं। देखिए सामने वहीं बैठे हैं, तो आइए आप ही उनको बड़े भैया आप ही बुला लीजिए। लक्ष्मण भैया का स्वागत सुनील लाहिड़ी जी का कीजिए। लक्ष्मण भैया का हमारे स्वागत है, आइए। ये बंदा जो है, क्या ये संसार जीवन भर निभाया है आपने, जब मिले तो पहुंच हुए। ये जो बंदा है जिसका नाम सुनील लाहिड़ी है, इन्होंने लक्ष्मण जी का किरदार किया था, हम सब जानते हैं, और इतना बेहतर किरदार किया था कि ऐसा कभी लगता नहीं था कि ये मुस्कुराते होंगे। जब आपने रामायण देखी होगी, ऐसा लगा होगा कि अभी ये कुछ कर डालेंगे। गुस्सा बहुत आता था। बट ही इज सच अ फाइन जेंटलमैन
इज सच अ फाइन बॉय। प्रभु आपके पीछे वहां बहुत आप ले ले। मैं बस एक प्रश्न आपसे पूछना बहुत बहुत प्यारे इंसान है जी, बहुत प्यारे भाई हैं, बहुत प्यारे मित्र हैं। अगर इतने प्यारे हैं तो आपने इनके कान क्यों खींचे थे? वो कैसे खींचे थे? वो देखा आपने? प्यार से खींचे थे। बहुत वायरल हुआ है। जरा दिखा तो दीजिए हमें। नहीं, मैं बड़ा हूँ, बड़े होने का कुछ तो अधिकार होता है, कोई तो हक होता है। तो वो किस बात पे खींचे? वो एक बड़े भाई का प्यार था छोटे के लिए। एक बार आशीर्वाद था। कौन सा कान खींचा था, दाएं वाला कि बाएं वाला? वो वाला। वो देखिए अभी तक ब्लू पड़ा। तो थोड़ा बैलेंस कर दीजिए हमारे लिए, ये वाला कान भी खींच दीजिए। ऐसा कुछ आप नहीं। मैं इनके सर पे हाथ फेर सकता हूँ। बैठिए बैठिए। जोरदार तालियां एक बार फिर दोनों के लिए। हमारे लिए तो ये राम लक्ष्मण है, अरुण गोविल जी और सुनील जी। सुनील जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लक्ष्मण का किरदार आप ही को था, आप ही को मिलना था लक्ष्मण का किरदार? कभी आपने सोचा था कि ये किरदार मुझे आएगा? और कोई भूमिका बांधी गई थी कि लक्ष्मण का किरदार आपको कैसे निभाना है, उसका कैरेक्टर कैसा होगा? जब देखो उत्तेजित फ्रंट और भाई के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो लक्ष्मण का किरदार शुरू में मेरी किस्मत में नहीं था। ये अच्छा। दूसरे एक एक्टर हैं वो प्ले कर रहे थे इस रोल को, पर शायद राम प्रभु जी चाहते थे कि वो मैं करूं, तो उनके माइंड में ये बात आई कि मेरे को नहीं करना है ये, तो उन्होंने नहीं किया। पर ये मेरे प्रिंसिपल्स थे, मेरे एथिक्स थे, और हो सकता है कि शायद कहीं वो लक्ष्मण की भावनाएं मेरे अंदर थी, इसलिए उसको करने से पहले ये मेरी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं उन एक्टर से बात करूं, पूछूं। और उनके ना करने के बाद भी जब उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो करने वाला नहीं हूं, तुमको अगर ऑफर कर रहे हैं तो तुम चाहते थे करना तो कर लो, तो उसके बाद फिर मैंने जाके सागर साहब को बोला कि ठीक है मैं करूंगा ये। पहले मैंने मना कर दिया, मैंने कहा था कि मैं नहीं करूंगा, और क्योंकि मैं ऑलरेडी शत्रुघ्न कर रहा था। एक्चुअली आई वाज सिलेक्टेड फॉर शत्रुघ्न, आई डिडंट वांटेड टू डू शत्रुघ्न, आई वांटेड टू डू लक्ष्मण, आई डिडंट वांटेड टू डू एनी अदर रोल एक्सेप्ट लक्ष्मण, बिकॉज आई फेल्ट लक्ष्मण हैज लॉट ऑफ इमोशन, अलग अलग काफी उसमें भावनाएं थी, तो इसलिए मैं लक्ष्मण ही करना चाहता था। पर राम जी की इच्छा, मिल गया मुझे लक्ष्मण और हिस्ट्री बन गई। एक बार आप पुणे गए थे सुनील जी, और जैसे ही आपको लोगों ने वहां पर पहचाना, आपकी पूरी जीप को घेर लिया था जी। वो क्या किस्सा था सबको बताइए। हाँ, वो भी एक दिल को हिला देने वाली घटना थी मेरे लिए जी। हुआ क्या था कि एक परमवीर चक्र के एक सीरियल था जिसकी शूटिंग के लिए मैं गया था वहां पे पुणे, तो मेरे साथ में जो मेकर हैं उनके बेटे चेतनानंद साहब के बेटे चेतन भी थे, तो कुछ बैचेस वगैरह लेने थे उनको, तो हम लोग वहाँ पे मार्केट में एक जगह, उन्होंने कहा कि मैं बंद जीप में आपको बैठा देता हूँ और फिर आप बैठो, मैं जब तक बैचेस वगैरह लेके आता हूँ। पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आया कि लोगों को कहाँ से आभास हो गया और उन्होंने देखा, और देख के फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद वो थोड़ा मतलब खोलने के दरवाजा जैसा देखने लगे, देखते देखते थोड़ी देर वो सॉफ्ट टेंट की जीप थी तो उसको तोड़ दिया पूरी तरह से, पूरा टैचनेस हो गया। तो एक बेचारा दुकान वाला को दया आई, उसने कहा कि मैं अपनी दुकान में ले चलता हूँ आपको, तो वहां पे लेके गया तो उसकी दुकान का कांच तोड़ दिया। मेरे हिसाब से कम से कम नहीं तो 4-5 हजार लोग इकट्ठा हो गए होंगे। फिर पुलिस को बुलाया, फिर बाकायदा लेके गए। उसके बाद केतन ने कहा कि मैं कभी किसी एक्टर के साथ में ट्रैवल नहीं करूंगा, मेरी जीप का नुकसान हो गया। पर जो क्रोध, आप तो इतने शांतशील स्वभाव के दिखते हैं, इतनी प्यारी मुस्कान है आपके चेहरे पर, अभी भी अरुण जी ने भी यही कहा, तो वो क्रोध वाला इमोशन कैसे आया? कुछ तस्वीरें हम यहाँ स्क्रीन पर चला रहे थे, उसमें एक आपकी भी तस्वीर है अरुण जी के साथ, तो वो किरदार में घुसने समय लगता था? और ये बड़ा भाई छोटा भाई का जो इक्वेशन है वो उस वक्त भी थी? वो तो मेरे ख्याल से पहले ही बार में जब हमारी मुलाकात हुई थी, तो वो एक भावना मेरे अंदर उनके लिए बड़े भाई के हिसाब से जागी थी, उनके अंदर मेरे लिए छोटे भाई के हिसाब से जागी थी। ये देखिए वो तस्वीरें पीछे हम दिखा रहे हैं, कुछ रामायण की सीन से तस्वीरें हैं। वो जो तस्वीर पहले देखी ना, हाँ वो ये तो मेरे ख्याल से जब राज्याभिषेक और जी, ये जो लुक है इक्विपॉइज वाला, जिसमें जीरो इमोशन वाला लुक है अरुण जी, पूरे एक युग की कहानी।
और ये देखिए यहाँ पे गुस्से में है, ये वाला जो है ना हैशटैग मुस्कान, जिसकी मैं एक हैशटैग मुस्कान और एक हैशटैग क्रोध नहीं, वो क्रोध नहीं है, वो शक है, शक। हाँ, क्योंकि वो हिरण को जब देखते हैं और सीता जी कहती हैं कि ये हिरण मुझे चाहिए, तो मैं भैया को बोलता हूँ कि मुझे डाउट है कि ये हिरण ना हो, ये कोई मायावी लगता है। हाँ। और वो उसका एक्सप्रेशन था कि ये मायावी है, कोई मतलब कि रियल नहीं है, तो उसके लिए वो एक्सप्रेशन दिखाया, जो पर्टिकुलर स्टिल में जो नोटिस हुआ है ना। हाँ। एक्सप्रेशन वो है उसका। हाँ, क्रोध जरूर किया है, पर लक्ष्मण का क्रोध जो था वो लॉजिक था हमेशा, कभी भी उसने गलत हिसाब से क्रोध नहीं किया। पर हाँ, क्रोध में भी कभी कभी क्या है कि वो इतनी भावनाओं में बह जाते थे, और खासकर अपने बड़े भाई के लिए, अपने बड़े भाई के अगेंस्ट में अगर कोई कुछ भी बोल दे जी, तो मतलब वो ढाल बन के खड़े हो जाते थे। तो वही था इमोशन बेसिकली। पर एक चीज मैं बताऊं आपको कि इसमें एक बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन मेरे लिए भी आई थी करने के लिए, जब मुझे राम जी के ऊपर गुस्सा करना था। हाँ। आप सोचिए कि पूरे सीरियल में मैं जिनको पिता समान मानता हूँ, जिनका आदर करता हूँ, जिनके सिर्फ इशारे से मैं समझ जाता हूँ कि मुझे इसके आगे मतलब है कि ये मेरा फुल स्टॉप है, उनके ऊपर गुस्सा करना है और वो भी मर्यादा में रह के, वो थोड़ा डिफिकल्ट था। परंतु थोड़ा सा मैंने भी, जैसे अरुण जी ने बता रहे थे कि उन्होंने थोड़ा समय लिया था, मैंने भी समय लिया, और राम जी की आशीर्वाद से जी, वो सीन मेरा एक टेक में हुआ पूरा का पूरा, और लंबा मोनोटॉक मोनोलॉग था, काफी लंबा मोनोटॉक था, एपिक था वो भी, अच्छा। हाँ। अब गुस्से की बात चल रही है सुनील जी, तो टीवी पर तो आपका गुस्सा देखा है, श्री राम पर कोई भी खतरा आया, कोई भी तिरछी नजर आई, आपका क्रोध बाहर आया। लेकिन आज के दौर की बात करें, जब श्री राम के किरदार पर कुछ लोग सवाल उठाते हैं, तो आप यानी टीवी के लक्ष्मण, उनके मन में क्या आता है? मुझे लगता है कि नादान है, ना समझ है लोग जो राम के नाम पे सवाल उठाते हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर ऐसा देखा जाए तो क्या गारंटी है कि जो आप हैं, आपको आपकी आइडेंटिटी आपके माता पिता से है, पर क्या एक्चुअली वो सच है या झूठ है वो आपको क्या पता? क्योंकि जिस समय आप छोटे रहे होंगे, पैदा हुए होंगे, हो सकता है कि आप उनकी औलाद ही ना हो, तो आप अपने माँ बाप पे सवाल उठाइए, अपने आप पे सवाल उठाइए ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि देखिए, हमने राम को देखा नहीं है जी, करेक्ट है, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे को मतलब एक प्रत्यक्ष रूप से हैं, जैसे राम सेतु का है, अयोध्या है, या कई ऐसी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं तो कुछ बात रही होगी, तभी है ना, नहीं तो नहीं होती। तो राम का अस्तित्व था, है, और राम ने या रामायण ने कभी भी मेरे को नहीं कहा, मैं मुझे लगता है कि कहा हो कि ये धर्म की बात कर रहे हैं, उन्होंने इंसानियत की बात की है, मर्यादा की बात की है, और वो मर्यादा की वजह से वो उस लेवल पे पहुंचे और महापुरुष बने हैं और भगवान बने हैं, और उनके किए हुए कर्म जो हैं वो आज अगर हर इंसान अपनी जिंदगी में उतार ले तो हर आदमी के अंदर राम हो सकता है, ये मेरा मानना है। अरुण जी, मूर्ति पूजा पर भी प्रश्न उठता है, मूर्ति पूजा जो विग्रह है जिसकी हम पूजा करते हैं सनातन प्रथा में, इस पर भी प्रश्न उठता है। एक तो राम काल्पनिक है, दूसरा आप कैसे जानते हैं कि 5 वर्षीय रामलला इस तरह दिखते थे, इसमें मूर्ति के अंदर, बेजान मूर्ति के अंदर प्राण कैसे आ सकते हैं, ये प्रश्न उठाने वाले लोग हैं, आप क्या कहेंगे? मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने अपने आप को जीवित रूप में मंदिर के अंदर देखा है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। ये सवाल उठाने वाले लोग वो हैं जिन्हें हमारी संस्कृति या खुद की संस्कृति नहीं पता, जिन्हें भारत नहीं पता, जिन्हें हमारे वेद नहीं पता, जिन्हें हमारे शास्त्र नहीं पता, जिन्हें हमारे पुराण नहीं पता, जिन्हें यह नहीं पता कि मंत्र शक्ति क्या होती है, जिन्हें यह नहीं पता कि मूर्ति को यदि प्रॉपरली मंत्रों के साथ, मंत्रोच्चार के साथ, विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा उसकी की जाए तो वो मूर्ति नहीं रहती, वो जागृत हो जाती है। आज मंदिरों में जब हम जाते हैं, क्या वो हमें मूर्ति दिखाई देती है जब हम पूजा करते हैं? वहां कैसे आती है जागृति? मंदिरों का माहौल क्या वो हमारे ऊपर असर नहीं डालता?
वो कैसे आता है? वो आता है उन्हीं मंत्रों की शक्ति से। आज मंत्रों की शक्ति से इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी पा सकता है। तो मंत्री प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्ति को जागृत करना, ये तो बहुत एक छोटा सा काम है मंत्रों के लिए। और जो लोग इस बात पे सवाल उठाते हैं उन्हें संस्कृति के बारे में पता ही नहीं है। और हुआ क्या हमारे देश में पिछले कुछ सालों में जी, जो हमारा दुर्भाग्य रहा है, अब हम वापस अपनी लाइन पर आए हैं, अपनी दिशा में आए हैं। हुआ क्या, जिस तरह से एक पेड़ होता है, पेड़ की जड़ होती है, उसी तरह से किसी भी सभ्यता के लिए उसकी संस्कृति होती है। जिस तरह से पेड़ की जड़ जब हिलने लगती है तो पेड़ सूख जाता है, टहनियां गिर जाती हैं, पत्ते गिर जाते हैं, फूल गिर जाते हैं, उसी तरह से जब हम अपनी संस्कृति से दूर होने लगते हैं तो हमारा जीवन इसी तरह से उसका विग्रह होने लगता है, अलग अलग दिशाओं में हम भटकने लगते हैं। यही हमारे साथ हुआ पिछले दिनों, पिछले सालों में। अब हम ठीक दिशा हमने वापस पकड़ी है कि हमने अपनी संस्कृति को, हमें समझ में आ गया कि हमसे गलती कहां हुई है। आज हमने अपनी उस गलती को सुधार लिया है। और उस सुधारने का जो पहला क्रम है वो है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जी। क्या अरुण जी, आप यूपी के मेरठ के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि एक आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, आध्यात्मिक नियमों का पालन करते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो केदारनाथ जाते हैं, गंगा सरयू में डुबकी लगाते हैं, आजकल भी कठिन नियमों का वो पालन कर रहे हैं। इन दोनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं शुरू करते हैं श्री नरेंद्र मोदी से जी। श्री नरेंद्र मोदी इस देश के लिए एक वरदान है। वो काम करना जानते हैं, काम करवाना जानते हैं, काम लेना जानते हैं, फटकारना भी जानते हैं, लोगों को एनर्जाइज भी करना जानते हैं, मोटिवेट भी करना जानते हैं। उन्होंने इस देश के लिए जो किया है वो एक व्यक्ति के लिए, केवल एक व्यक्ति के लिए करना बहुत मुश्किल है, वो लिटरली असंभव है जो उन्होंने इस देश के लिए किया है। उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो केवल देश के लिए सोचते हैं, और अब उससे ऊपर उठकर जो देश के लिए सोचते हैं उससे विश्व कितना प्रभावित हो रहा है ये देखिए। अब आप उनके मन में जो भी आ जाता है देश के लिए वो उसे पूरा कर देते हैं। शायद 38 साल पहले उन्होंने ये कहा था कि जब रामलला का मंदिर बनेगा तब मैं अयोध्या आऊंगा। जी, जी, जी। ये 1900 मुरली मनोहर जोशी जी के साथ जब वो आए थे लास्ट टाइम टाट में, उन्होंने दर्शन किए और कहा फिर जब आऊंगा तब मंदिर बनेगा। 30 साल पहले उन्होंने ये कहा था कि धारा 377 हट जाएगी। हट जाएगी जी, जम्मू कश्मीर में। तो उन्होंने देश के लिए जो जो सोचा है वो उन्होंने कर दिया है। तो वो इस देश के लिए हमारे एक वरदान साबित हुए हैं। उन्होंने जो भी किया है उसके लिए सलाम। और योगी जी, योगी जी, मैं नरेंद्र मोदी जी से मिला नहीं हूं पहले, तो मैं आपको ये बता दूं एक भी बार। मैं जितना कह पाता हूं उनके बारे में वो जो उनको देखकर, उनकी बातें सुनकर वही कह पाता हूं बस। योगी जी से मैं 2 बार मिला हूं, मेरी उनकी भेंट हुई है। संत लगते हैं बिल्कुल, बड़े सौम्यता से बात करते हैं जी। अपने अधिकारियों को कैसे डांटते होंगे मुझे नहीं पता है, मेरे सामने कभी नहीं डांटा उन्होंने। ऐसा सुनते हैं कि बहुत सख्त हैं वो। उन्होंने जो सो कॉल्ड गुंडा राज था वो यूपी में खत्म कर दिया है, तो सख्त ही रहे होंगे, तभी होता है ये काम। तो पर आध्यात्मिक शक्ति है उनकी, और मैं ये मानता हूं क्योंकि वो सन्यासी हैं। मैंने एक ट्वीट भी किया था बहुत साल पहले जब वो सीएम बने थे कि एक सन्यासी से अच्छा राजा और कोई नहीं होता।
और ये लाइन मेरी नहीं है, ये लाइन रामायण की है। रामायण की है, बिल्कुल सही कहा आपने। आप कुछ कहना चाहेंगे सुनील जी, आपके विचार इन्हीं प्रश्नों पर? मुझे लगता है कि अगर, जैसे काफी लोगों ने भी कहा है और मेरा भी मानना यह है कि अगर मोदी जी राम हैं तो योगी जी लक्ष्मण हैं। सुनील जी मेरा भी एक सवाल, रामायण सीरियल में कोई भी एक ऐसा किरदार, चाहे वो श्री राम हो, सीता जी हो, कोई भी किरदार, उनकी किसी बात ने आपको प्रभावित किया हो, वो आपका भी हो सकता है, लक्ष्मण का किरदार भी हो सकता है, कोई और किरदार भी हो सकता है, पर्सनली पर्सनल व्यू पूछना? जी जी, मैं समझता हूँ कि रामायण के हर किरदार ने कहीं ना कहीं आपको पर्सनली इम्प्रेस किया है और कुछ ना कुछ सिखाया है, और मैं हर कैरेक्टर से काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ, और रामायण करने के बाद में और उसको देखने के बाद में मैंने अपने जीवन को काफ़ी बदला है। तो मेरे ख्याल से अरुण जी भी बता सकते हैं, जो मैं पहले था और जो मैं आज हूँ, मेरे घर वाले भी कहते हैं कि आज मेरे में ज़मीन आसमान का बदलाव है, और मैं समझता हूँ कि अगर रामायण को सीख ले, ध्यान दे ले, तो आदमी अपना जीवन सुधार सकता है और अपने अंदर बहुत ही, मतलब कि कहते हैं ना कि पीस और कंपोज अपने आप को फील करा सकता है। जी, व्हाट आई फील। कोई आप दोनों से मैं ये जानना चाहूंगा, काफी समय हो गया इसको, लेकिन आपके अंदर अभी भी वो पूरी तरह से उसकी स्मृतियां होंगी, कोई एक सीन, कोई एक टेक जिसके बाद आपके रोंगटे खड़े हो गए हो, या फिर आपने देखा कि सबके आंसू आ गए, या कोई एक ऐसा लम्हा जैसे आपको लगा कि यहाँ तो कुछ जादू हो रहा है, कुछ मैजिक हो रहा है। अरुण जी, आपके लिए अभी भी स्मरण में अगर आता है तो कौन सा सीन ऐसा उस वक्त से आता है? कोई एक सीन हो तो बताऊं, मैं सच बता रहा हूं आपको, ये रोज बरोज होता रहा है हमारे साथ वाइल डूइंग रामायण। मैं बेसिकली एक बहुत इमोशनल सा व्यक्ति हूं, मुझे मैं जब फिल्म देखता हूं, पहले बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनती थी जो फैमिली ओरिएंटेड फिल्में होती थी जी, उसमें जब भाई एक भाई से गले मिलता था ना, तो मैं फिल्म देखते वक्त रोता था। मुझे पॉजिटिवनेस इतना ज्यादा प्रभावित करती है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, मुझे लगता है वाह क्या बात है। और तो और जब एक मालिक अपने नौकर को गले लगाता है फिल्मों में, तो मुझे रोना आ जाता है, अच्छाई, मुझे अच्छाई देखकर रोना आता है, मैं खुश हो जाता हूँ इतना जी। तो आप सोचिए कि शुरुआत करें तो दशरथ जी से, माता कौशल्या, माता कैकेयी, सुमित्रा, लक्ष्मण, सीता, भरत, इन सब लोगों के साथ इतने अच्छे अच्छे सीन हम लोगों ने किए कि यू कुड फील इट, कि सीन करने के बाद लगता था कि नहीं, 5 मिनट ना चुपचाप अकेले बैठ जाओ और इस सब को जो किया है तुमने अभी बाहर निकाल दो सबको, एवरी सीन यूज टू बी दैट बेसिकली। और तो और मैं आपको बताऊं, रावण जी के साथ भी कई सीन ऐसे हुए कि जिसमें केवल उनको देखकर, उनका काम देखकर रोंगटे खड़े होते थे।